नमस्कार साथियों, प्यारे छात्रों, इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलनों का अवकलन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। और प्यारे छात्रों, त्रिकोणमितीय फलन छह होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स। तो ये हमारे त्रिकोणमितीय फलन है कहलाते हैं। देखो, पहला कौन सा होता है? साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। ये अपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर? अब देखो, हमारा उद्देश्य क्या है, जो एम है कि इन जो छह फलन है इनका हमें क्या याद करना है, इनका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो प्यारे छात्रों, हम इसको ये मान लेते हैं कि भाई ये वाई बराबर साइन इनवर्स है, ये फलन लेके चलते हैं। अब हम एक का डिफरेंशिएशन याद कर लेते हैं और अन्य सभी जो रिमेनिंग पाँच बच गए इनका आप खुद आसानी से अवकलन ज्ञात कर सकते हो। तो मैं इसको सिखा देता हूँ कि y बराबर साइन इनवर्स x यदि कोई फलन दे रखा है तो इसका हम किस प्रकार से अवकलन करते हैं। क्लियर? तो देखो, इसको हम नाम दे देते हैं। क्लियर? अब देखो, इसको हम ये मान लेते हैं दोनों ये साइन इनवर्स x है, और हमें प्यारे छात्र इतना पता होगा साइन और साइन इनवर्स x ये क्या होता है, x के बराबर होता है। यदि साइन के आगे साइन इनवर्स के आगे यदि साइन लगा दें तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, एक्स के बराबर आती है। तो यहाँ पर क्या करूँ, अब दोनों तरफ साइन लगा दो, साइन वाई, साइन और साइन इनवर्स एक्स। क्लियर? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स आएगी, तो मैंने लिख दिया इसको एक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, साइन वाई के आगे हमारा एक्स आ गया, साइन वाई के आगे अपना एक्स, इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो, मैं इसको ऐसे लिख लूँ, एक्स बराबर साइन वाई, कोई दिक्कत नहीं इसको इस प्रकार से लिखने में। इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। देखो, पिछले जो वीडियो लेक्चर था हमारा कि डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस थे, तो वहाँ पर देखा होता आपने कि वाई बराबर साइन एक्स आया था, वाई बराबर साइन एक्स आया था और इसको मैं लिख रहा था एफ एक्स। इधर क्या था, वाई था और इधर क्या था, एक्स था। यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स बराबर साइन वाई और वाई है तो ये जो एक्स होता है, इसलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ एफ एक्स और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एफ वाई, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल तो वाई है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यह एक्स है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वाई है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स है। अर्थात वाई की कुछ वैल्यू इसमें पुट करेंगे तभी तो एक्स की वैल्यू आएगी। तो डिपेंड कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। तो वाई क्या इंडिपेंडेंट है, कुछ भी हम डाल सकते हैं वाई को वैल्यू इस रेंज में, और उसके संगत हमें किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। क्लियर? अब क्या करो, यदि वाई में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है तो फर्स्ट प्रिंसिपल था हमारा डिफरेंशिएशन का, उसको यहाँ यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, वाई में थोड़ा सा चेंज करो, वाई में मान लीजिए थोड़ा सा चेंज क्या आया, जैसे डेल्टा वाई आया और उसके कोरस्पोंडेंट हमें चेंज किस में मिलेगा, एक्स में मिलेगा। और एक्स में कितना चेंज आएगा, डेल्टा एक्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यदि थोड़ा सा चेंज हो वाई में तो एक्स में कितना चेंज आएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर साइन वाई प्लस डेल्टा वाई, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? और इसको मैं नाम दे देता हूँ तीन, इसको क्या नाम दे दिया मैंने, तीन। अब वही प्रोसेस अपनाओ जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि दो में से एक को घटाया था, यहाँ पर, यहाँ पर क्या करेंगे, तीन में से दो को घटा देंगे, है ना। तो तीन माइनस दो कर लो, तीन माइनस दो से क्या आएगा, डिसिम्पलाइज, तीन में से दो घटाओ तो देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा एक्स बचेगा, डेल्टा एक्स बराबर साइन वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस का साइन। क्लियर यहाँ तक? अब देखो, भाई क्या करेंगे अपन, डेल्टा वाई का नीचे भाग लगा देंगे। वहाँ किसका भाग लगा रहे थे हम, डेल्टा एक्स का भाग लगा रहे थे, यहाँ किसका भाग लगा देंगे, डेल्टा वाई का।
तो मैं यही कर देता हूँ डेल्टा वाई से भाग लगाने पर। तो ये डेल्टा वाई कैसे पूरे में क्लियर। अगले स्टेप में क्या करते थे ध्यान हो तो, कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बटा दो इंटू साइन सी माइनस डी बटा दो। इस फॉर्मूले को काम में लेना है। तो यहाँ लगा वो फॉर्मूला, वो पिछले वीडियो वाला जो लेक्चर में हमने किया था वही आ गया वो सिमिलर। क्लियर। तो देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू टू कोस सी, सो सी मान लो इसको, डी मान लो, कर दो डायरेक्ट। इन दोनों को जोड़ करेंगे तो वाई प्लस वाई टू वाई, और इसमें दो को भाग देंगे तो वाई बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, डेल्टा वाई बटे दो इंटू साइन, और कितना बचेगा, वाई माइनस वाई हो जाएगा, सी माइनस डी, सी है और ये डी है, तो डेल्टा वाई बटे दो अपॉन डेल्टा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। अब क्या करते थे अगले स्टेप में हम, हाँ भाई बताओ, ये करते थे नहीं करते, या लिख देता हूँ कि दोनों तरफ लिमिट लेते थे, लिमिट या पिछले वीडियो लेक्चर में लिमिट क्या ली थी, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ लिमिट क्या लेना चाहिए हमें, डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। तो डेल्टा वाई को जीरो करवा दो, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, टेकिंग लिमिट बोथ साइड डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज ऑफ तीन ऑफ फोर कर दो, ये फोर इसको नाम दे दिया हमने फोर। तो ये क्या है भाई, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई बराबर लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, और ये टू कोस वाई प्लस डेल्टा वाई अपॉन टू इंटू साइन डेल्टा वाई अपॉन टू अपॉन डेल्टा वाई। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, ये टू है, मैं अगले स्टेप एक स्टेप उठा के लिख रहा हूँ, ये टू है तो मैं, ये आपको पता होगा कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आती है, वन आती है। तो देखो मैं ये डेल्ट, ये टू है, टू को इसके नीचे लिख लूँ और डेल्टा वाई अपॉन टू इसके नीचे लिख लूँ पूरा, तो या तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो टू, ये टू को हटाओ यहाँ से, और ये कोस वाई प्लस डेल्टा वाई बटे दो इंटू साइन डेल्टा वाई बटे दो अपॉन डेल्टा वाई बटे दो। क्लियर ये बात, डेल्टा वाई बटे दो, देखो दिख रहा होगा ना आपको ये, कि ये जो टू था ना ऊपर, तो मैंने उसको डेल्टा वाई बटे दो इसके नीचे लिख लिया, और इन दोनों को एक साथ ले लिया, साइन डेल्टा वाई बटे दो इंटू डेल्टा वाई बटे दो। क्लियर। चलो इसको मिटा देते हैं यहाँ से, हाँ भाई देखो यहाँ पर क्या लिख दें इसको, तो ये आ गया हमारा लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू, इसकी जगह लिमिट लगाओ डेल्टा वाई को क्या करो, जीरो की तरफ जाएगा, तो ये क्या बच गया यहाँ पर, कोस वाई बच जाएगा, तो ये तो बच गया भाई कोस वाई, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वन हो जाएगी इंटू वन, और इसको क्या बोलते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई, ये डी एक्स अपॉन डी वाई आ गया बराबर कोस वाई। अब इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि चाहिए अपने को क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हो वन अपॉन कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अब देखो कोस वाई, यहाँ से देखो आप, यहाँ से साइन वाई बराबर एक्स है, तो यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू क्या, साइन वाई है, तो यहाँ से आप ये याद कर सकते हो, नहीं कर सकते, कोस वाई इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर वाई, और साइन वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो कितनी आ गई है, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो कोस वाई की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, अंडर रूट वन, कोस वाई इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो कोस वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर।
क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो प्यारे छात्रों हमारा कॉन्सेप्ट था किस प्रकार से जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है उनका हम आकलन ज्ञात करते हैं। तो देखो क्या कर रहे थे हम, वाई बराबर साइन इनवर्स तक लेके चलना, जो भी फंक्शन दे रखा वो लेके चलना, उसके दोनों तरफ इस प्रकार से कर देना, साइन लगाया मैंने दोनों तरफ, साइन लगाया तो ये एक्स आ गया, साइन वाई बराबर एक्स तो एक्स बराबर साइन वाई मैंने इस प्रकार से लिख लिया, वाई में परिवर्तन हुआ डेल्टा वाई तो मैंने इस प्रकार से लिखा, तीन में से दो को घटाया तो ये आ गया हमारा, क्लियर है? अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डेल्टा वाई से भाग लगा दिया ये आ जाएगा, और इसमें साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला है वो हम काम में ले लेंगे। इस प्रकार से हम लिमिट ली डेल्टा वाई टेंस टू जीरो किया, क्लियर? इस प्रकार से आगे बढ़ते गए, ये फॉर्मूला अपने को पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, वन होता है। इस प्रकार से हमने टू था टू को इसके नीचे लिख लिया और इसकी वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई, यहाँ तक पहुँच गए। डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू कोस वाई, इसका रिवर्स कर दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स वन अपॉन कोस वाई, और कोस वाई की वैल्यू यहाँ से याद कर ली, साइन वाई की वैल्यू जो एक्स है तो कोस वाई की वैल्यू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर वाई होती है, तो साइन वाई की वैल्यू कितनी है एक्स है, तो मैंने ये एक्स पुट कर दिया, क्लियर है यहाँ तक? तो ये था हमारा कि यदि अपने को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हों तो हम उसका किस प्रकार से आकलन ज्ञात करते हैं, क्लियर है? तो मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो भाई हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया कि डी अपॉन डी एक्स, यदि वाई की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है हमारे पास अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, क्लियर? इसी प्रकार से आप घर में जा करके आप बैठे होंगे घर पर भी तो आप पढ़ रहे हैं तो आप इनका भी अभ्यास आसानी से कर सकते हैं इसी प्रोसेस को अपना करके। तो यदि आपको याद करना हो डी अपॉन डी एक्स तो इसका अभ्यास करना घर पे, क्या आएगी इसकी वैल्यू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आती, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का जब ज्ञात करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर? इसी प्रकार से इसका ज्ञात करोगे डी अपॉन डी एक्स कोट इनवर्स एक्स तो इसकी आती है माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसी प्रकार से इसका भी करना आप सेक इनवर्स एक्स तो ये क्या आएगा वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स तो इसका क्या आएगा माइनस आ जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये आपका घर का टास्क है, ये जो रिमेनिंग पांच बच गए इनको अभ्यास आपको घर पर बैठ करके अच्छे से करना है, क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे छात्रों ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसका यदि बार बार अभ्यास करेंगे तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, तो आप ऑटोमेटिक कर सकते हो। जैसे ये है जैसे आप करोगे कोस इनवर्स है तो कोस के आगे यदि कोस इनवर्स एक्स लगा देते ना तो इसकी वैल्यू क्या आती है एक्स आती है, क्लियर? तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इनका यूज़ करते हुए आप आसानी से कर सकते हैं, क्लियर? थैंक यू। तो इसको नोट कर लो एक बार।